भाई और बहनों, स्टार्टअप्स और इनोवेशन का रास्ता आराम का, सुविधा का नहीं है। और बीते 8 सालों में देश को इस रास्ते पर तेजी से बढ़ने का रास्ता भी आसान नहीं था, सुविधा का नहीं था। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म्स का लाभ आज देश अनुभव करता है। रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाता है। हमने स्पेस और डिफेंस जैसे हर उस सेक्टर को युवाओं के लिए खोल दिया है जिनमें दशकों तक सिर्फ सरकार का एकाधिकार था। आज हम ड्रोन से लेकर एयरक्राफ्ट तक हर कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भारत के युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यहां देश का गौरव इसरो है, डीआरडीओ का एक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज हम देश के युवाओं से कह रहे हैं कि सरकार ने जो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं बनाई हैं, इनमें अपने विजन को, अपने आइडिया को टेस्ट करें। केंद्र सरकार युवाओं को हर जरूरी प्लेटफॉर्म दे रही है। इनमें देश का युवा मेहनत कर रहा है। जो सरकारी कंपनियां हैं वो भी कंपीट करेगी, देश के युवाओं की बनाई कंपनियों के साथ कंपीट करेगी, तभी हम दुनिया के साथ कंपीट कर पाएंगे। मेरा साफ मानना है, उपक्रम चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट, दोनों देश के एसेट हैं। इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड सबको बराबर मिलना चाहिए, यही सबका प्रयास है। सबका प्रयास का यही मंत्र आजादी के अमृतकाल यानी आने वाले 25 साल में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ऊर्जा है।